एक और जहां केंद्र सरकार द्वारा 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के लिए 1 मई से लसीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है, वहीं शहर में वैक्सीन की कमी के कारण शनिवार को जो लसीकरण 9 बजे शुरू होने वाला था उसे 2 बजे शुरू किया जाएगा, ऐसी जानकारी लसीकरण केंद्र पर दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को एक बार फिर राज्य की जनता से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि 1 मई से राज्य में प्रतीकात्मक वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। मई में राज्य को 18 लाख डोज ही मिलेंगी, जबकि राज्य को 12 करोड़ डोज की जरूरत है। सीएम ने बताया कि 18 से 44 आयु वर्ग के 6 करोड़ नागरिक राज्य में है, ऐसे में वैक्सीनेशन शुरू तो किया जाएगा लेकिन धीरे धीरे ही यह जारी रह सकेगा। इस बीच लसीकरण की प्रक्रिया नागपुर शहर के इंदिरा गांधी रुग्णालय में किस तरीके से होगी इसकी जानकारी बीसीएन न्यूज से बात करते हुए इंदिरा गांधी रुग्णालय के कर्मचारी शैलेश सुपुरकर ने दी। इस वक्त उन्होंने बताया कि जिस तरीके से वैक्सीन की उपलब्धता होगी उस तरीके से वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी। कशा प्रकार प्रोसेस है आपल्याकडे 18 ते 44 वयापर्यंतच आपण वॅक्सिनेशन ठरवलेलं आहे आणि याच्यामध्ये आपण टोकन सुविधा ठेवतो। त्यांना आपण वॅक्सिनचा पुरवठा जेवढा झाला तेवढ्यानुसार आपण त्यांना वॅक्सिन देतो आणि त्याच्यामध्ये समजा वॅक्सिनचा पुरवठा जर कमी असेल तर आपण त्यांना टोकननुसार नेक्स्ट डेला देतो। वॅक्सिनचा सर शॉर्टेज चालू आहे तर वॅक्सिन जसे अवेलेबल होते त्यानुसार आपण सर्व्हिस देतो। त्याच्यासाठी आपण त्यांना सांगून ठेवलं आहे की 1-2 दिवस तरी हा त्रास होईल। 18 ते 44 वयोगटातच लोकांना आपल्याला घ्यायचं आहे आणि जे 45 वयाच्या वर आहे त्यांच्यासाठी जर आम्हाला आत्ता अपडेट आला तर आपण आता स्टार्ट करू। वैक्सीन लगवाने इस वक्त एक युवा भी आया था जिससे बीसीएन न्यूज की टीम ने बात। इस वक्त उसने बताया कि यह टोकन सिस्टम है जिसमें समय, नाम और नंबर लिखा है, उस समय पे आना है और अगर उस दौरान वैक्सीन उपलब्ध रही तो कोरोना का टीका उस दौरान लगाया जाएगा और अगर वैक्सीन नहीं रही तो नया समय दिया जाएगा। टोकन मध्ये वेळ आणि नाव लिहिलं आहे, नंबर लिहिला आहे आणि वेळ दिली आहे, तर इथे त्या वेळेत येऊन पाहायचं आणि जर वॅक्सिनेशन म्हणजे वॅक्सिन असेल तर मिळेल, नाही तर मग पुढे ढकललं जाणार, पुढे होईल असं वॅक्सिनेशन। म्हणजे वॅक्सिन नसेल तर पुढे तारीख दिली जाईल। हां, नाव एकदा रजिस्टर झालं तर मग म्हणजे हे म्हणजे काही लॉस नाही। कुठून आला आपण? मी जिंदाल। काय नाव आपलं? नाव स्वप्निल घाट। बता दें कि मनपा की ओर से राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार मनपा के गांधी सागर स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल, बड़ा इमामवाड़ा स्थित आइसोलेशन अस्पताल और पाचपाली सूतिका गृह में शनिवार की दोपहर से वैक्सीन दी जाएगी। पहला दिन होने से 1 मई की दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक ही वैक्सीनेशन होगा, जबकि उसके बाद प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक वैक्सीन दी जाएगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ तिशा हटवार, बीसीएन न्यूज नागपुर।